अतुल वर्मा अयोध्या से। भाइयों आज हम चल रहे हैं आपको जो कि एयरपोर्ट का अपडेट देने के लिए। बेसिकली एयरपोर्ट की हमने अपने चैनल पे कई सारी वीडियो डाली है, लेकिन हमने कभी भी उसका जो लिंक मार्ग है उसका आपसे आपको रूबरू नहीं कराए हैं, उसका सैर नहीं कराए हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं हम इस नाका बाईपास से होते हुए हम चल रहे हैं सुल्तानपुर रोड पर, जो कि सुल्तानपुर रोड ये सीधे ले जाके आपको जो कि एयरपोर्ट का नया जो द्वार बना है, नया जो रास्ता बना है उस पर लिंक हुआ है। तो भाई साहब हम चल रहे हैं आपको वही दिखाने कि कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई है और क्या क्या चीज़ उस रास्ते पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल आप ये भी एरिया देख सकते हैं जो कि नाका का एरिया कितना डेवलप एरिया है, आपको यहाँ भी ढेर सारी चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो भाई साहब चल रहे आगे और आपको दिखाते हैं साइड। देखिए थोड़े से और आगे चलने के बाद आपको हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत ही प्राचीन, बहुत ही ऐतिहासिक एक मंदिर दिख जाएगा जो कि ब्रह्म बाबा के नाम से जाना जाता है। और भाई साहब ब्रह्म बाबा की जो ये मंदिर है और ये पेड़ है पीपल का, उसी पेड़ में स्थापित किया गया है। तो भाई यहाँ के भी अपने आप में बहुत बड़ी मान्यता होती है और हर रोज़ यहाँ पर ढेर सारे श्रद्धालु यहाँ पर आके दर्शन करते हैं। आप इस साइड देखिए, ये देखिए भाई ब्रह्म बाबा इस साइड आके करिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं और इसी के थोड़ा सा आगे चलेंगे हम, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में ही जो कोको कोला की फैक्ट्री है वो भी दिख जाएगी। ये देखिए चेक करिए कितनी बड़ी फैक्ट्री बनी हुई है। और बस इसी थोड़ा सा चलने के बाद थोड़े दूर पे आपको बस जो एयरपोर्ट का लिंक मार्ग है वो दिख जाएगा। और भाई आप इस साइड सामने देख सकते हैं कि ये सुल्तानपुर मार्ग है और इस साइड जैसे ही मुड़ेंगे आपको ये एयरपोर्ट का रास्ता दिख जाएगा। तो भाई साहब इसी रास्ते पे आपको तीन चीज़ दिख जाएगा। ये देखिए थोड़ा धीमे करो, ये श्री राम इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो कि 1.5 किलोमीटर है, और ये राजा श्री दशरथ मेडिकल कॉलेज भी दिख जाएगा और इसी पे CRPF कैंप भी है। भाई साहब यहीं पे आप इसी रास्ते पे सारे लोकेशन को कवर कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं। और आप इस साइड चलिए, इस साइड चलिए, देखिए भाई कितनी गजब इसकी जो कि यहाँ पर देख सकते हैं डिवाइडिंग की गई है। उसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पर ढेर सारे जो कि लैंप वगैरह लगाए गए हैं। और भाई प्लांटिंग की तो बात ही ना करो, ये देखो कितनी ख़तरनाक प्लांटिंग की गई है। ये देखिए यहाँ से चेक करिए, ये देखिए पूरी गजब की ऐसे प्लांटिंग की गई है और बीचों बीच में देखिए भाई लैंप कितना प्यारा लग रहा है। तो भाई फ़िलहाल ये तो व्यू आपको दिन का देखने को मिल रहा है, तो फिर व्यू आपका नाइट का सोचो क्या गजब होने वाला। और इस साइड भाई ये जो देख रहे हैं आप CRPF कैंप दिख जाएगा, तो ये भी बहुत बड़ा कैंप बना हुआ है और यहाँ पर हमारे जवान लोग जो CRPF के हैं वो रहते हैं। और यहाँ पर देखिए सामने ये जो आप ग्रीनरी देख रहे हैं इस डिवाइडर के बीचों बीच में, ये कुछ महीनों बाद और ही खूबसूरत होने वाला है। तो भाई यहाँ से आप चेक करिए, ये जो खूबसूरती इसकी यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी। तो हमारे गवर्नमेंट का जो सबसे अच्छा डिसीज़न ये है, अगर एयरपोर्ट इतना भव्य तरीके से बनाया जा रहा है जो कि पूरे राम मंदिर के मॉडल पर बनाया जा रहा है, और उसी में जो राम मंदिर में जो पत्थर यूज़ किए जा रहे हैं उस पत्थर का यूज़ करके बनाया जा रहा है, तो भाई सोचो यहाँ की वाइडिंग किस तरीके से की गई है। तो भाई गजब का यहाँ का व्यू है भाई। और इस साइड हमारे राइट हैंड साइड आपको दिख जाएगा कि सरकारी कॉलोनियाँ वगैरह है जो वो अलर्ट की जाती है, बेसिकली CRPF की जवानों के लिए ही है। और इस साइड देखिए अभी भी कुछ काम चल रहा है यहाँ पे, ये देखिए। और आपको सामने उस साइड जो एरो दिख रहा है ये राजा ऋषि दशरथ मेडिकल कॉलेज दिख जाएगा भाई, जो कि ये सीधे जाएगा। और इस साइड जो है ये सीधे आपको एयरपोर्ट ले जाके निकालेगा। तो भाई एयरपोर्ट का रास्ता आप यहीं से देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है, कितने स्वस्थ तरीके से बनाया गया है। और बात कही जाए एयरपोर्ट के रनवे की, तो बेसिकली एयरपोर्ट का रनवे भाई साहब हमने अपने वीडियो में बताया था कि बन के तैयार हो गया है और बस काम इसका बचा है जो कि कुछ % टर्मिनल का। तो टर्मिनल का ऊपर का जो पार्ट ये भी एक राम मंदिर के मॉडल के आधार पर ही बनाया जा रहा है, जो कि ऊपर का भी काम शुरू हो गया है और बेसिकली नीचे के जितना भी कार्य थे वो भी कंप्लीट कर दिए गए हैं। तो भाई साहब जब एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा तो एक नए लुक में और हमारे अयोध्या में एक नया इतिहास कायम करेगा। तो भाई ये देखो गजब का यहाँ का लुक है। इतिहास कायम करने के साथ साथ एयरपोर्ट
बनकर ही तैयार हो चुका है एक प्रकार से मानिए, अगर जैसे विमान का चालन हो सकता, पर उसे अभी नहीं चालू किया जाएगा क्योंकि राम मंदिर का जब ओपनिंग हो जाएगा उसी दिन इस एयरपोर्ट की भी ओपनिंग होने वाली है। तो भाई कितना गजब का वो दृश्य होगा जब राम मंदिर की ओपनिंग हो जाएगी और एयरपोर्ट का भी। और हमारे अयोध्या में जो टूरिज़्म को बढ़ावा देते हुए जो हमारी योगी गवर्नमेंट ने इतना ढेर सारा जो कि डेवलप एक प्रकार से किया जा रहा, तो भाई यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत होने वाला और अपने आप में बहुत ही अद्भुत होने वाला है। तो आपको चलते दिखाते हैं और पास से कि रनवे का काम कितना हुआ है और टर्मिनल के जो आगे का पोर्शन का काम वो कितना कंप्लीट हो चुका है। तो भाई आप यहाँ से एक छोटी सी झलक देख सकते हैं कि ये अपने आप में एक विशाल रूप कायम कर रहा है, धीरे धीरे टर्मिनल जो अपने आप में एक विशाल रूप कायम कर रहा है। और भाई उसके पिलर वगैरह में जो कि कहा जाए वो पत्थर, प्रभु श्री राम जी के मंदिर में लगाए जाने वाले पत्थर भी लगने शुरू हो गए हैं। तो भाई यहाँ से आप चेक करिए, ये पूरा गजब का यहाँ का लुक है भाई, ये देखिए। आपको सामने टर्मिनल दिख रहा होगा, काफ़ी अच्छे तरीके से चेक करिए इसको। सो मित्रों फाइनली हम लोग एयरपोर्ट का जो गेट बन रहा है वहाँ पे आ चुके हैं। ये देखिए जो बड़े बड़े दो पिलर दिख रहे हैं आपको, ये एक इतने बड़े स्तंभ जैसे, वो एयरपोर्ट का मेन गेट है। और भाई जिससे मेन गेट से आपको एंटर किया जाएगा, जो कि सबसे पहले आपको टर्मिनल दिखने वाला है। तो हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, इससे आगे जाना अलाउ नहीं है क्योंकि भाई ये एयरपोर्ट के एरिया प्रेजेंट टाइम में बहुत रिस्ट्रिक्टेड एरिया माना जाता है, तो हम अंदर नहीं जा सकते। यहाँ से ही आपको टर्मिनल का कुछ झलक दिखाएंगे, जो कि टर्मिनल भी काफ़ी गजब बन रहा है। तो भाई इससे साथ थोड़ा सा चल के आपको और आगे दिखाते हैं कि यहाँ पे प्लांटिंग वगैरह और साथ साथ में जो कि बाउंड्री वॉल की गई, बाउंड्री वॉल के जस्ट बगल बगल में कितने अच्छे तरीके से रेडियम लाइट लगाए गए हैं, ये सब दिखाने की कोशिश करते हैं कि कितने अच्छे तरीके से बन रहा है ये जो हमारा प्रभु श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो भाई ये सब देखिए, ये गार्डनिंग आप चेक करिए कितनी खूबसूरत यहाँ पे है, किनारे किनारे की गई, इस साइड आप चेक करिए ऐसे ही। उसके साथ साथ यहाँ पे रेडियम लाइट भी लगाया गया, तो जो कि अपने आप पे बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ से आप चेक करिए, ये देखिए कितनी गजब तरीके से इसमें लाइटिंग वगैरह की। और प्लांटिंग भाई देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे की गई है, हर एक प्रकार के पौधे लगाए गए भाई, जो कि आने वाले समय में काफ़ी गजब यहाँ का, एक दो महीने बाद बहुत गजब यहाँ का दृश्य होने वाला है। और लैंप देखिए भाई कितना गजब लैंप भी बनाया गया है, ये चेक करिए, ये देखिए पूरा। और ये जो हम बात कर रहे थे गेट की, तो भाई मुख्य गेट आपको दो दिख जाएगा, सबसे पहले एक इधर एंट्री का रहेगा, इधर एग्ज़िट का रहेगा। तो बेसिकली दो पिलर आपको उस साइड दिख रहे होंगे और एक बीच में सिंगल पिलर, दो पिलर इस साइड है। तो यही है जो मेन गेट बनेगा एयरपोर्ट का। और इसके सामने आप जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आपको यो जो सामने दिख रहा है वो टर्मिनल दिख जाएगा। तो भाई टर्मिनल को हम यहीं से कोशिश करेंगे दिखाने के लिए, थोड़ा सा इस साइड आप देखिए टर्मिनल यहाँ से दिख रहा है। और ये पूरा एरिया देखिए बाउंड्री वॉल से कवर कर दिया गया है यहाँ पर, ये देखिए पूरे एरिया को कवर कर दिया गया है, इस साइड भी किनारे किनारे बाउंड्री बना दी गई है। तो भाई यहाँ से ही स्टार्ट होता है एयरपोर्ट की बाउंड्री और एयरपोर्ट का जो मुख्य द्वार के अंदर, जो कि इसके एरिया जो यहाँ से स्टार्ट ही इसका किया जाता है। तो भाई साहब आपको थोड़ा सा जूम करके इसको दिखाने की कोशिश करते हैं कि टर्मिनल कितने अच्छे तरीके से बना हुआ है। सो भाइयों जैसा कि आप ये सामने देख सकते हैं, ये जो एयरपोर्ट का टर्मिनल देख सकते हैं इतने अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो गया है, जो कि उसके ऊपर का आकार आप देख सकते हैं कि जैसे प्रभु श्री राम जी की जो मंदिर में जैसे ऊपर का गुंबज बनता है उसी प्रकार से आप देख सकते हैं ऊपर बनना भी स्टार्ट हो गया। तो भाई बहुत तेज़ी से यहाँ पे काम किया जा रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं L&T के जो मजदूर लोग हैं, जो वर्कर हैं, बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। भाई साहब लग रहा कि जैसा कि कुछ ही समय में एक दो महीने के अंदर अंदर ये टर्मिनल का भी काम कम्प्लीट कर दिया जाएगा। और इस साइड देखिए जो ये सब आप देख रहे हैं, ये एरिया जो कि वेटिंग एरिया आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ सभी काफ़ी अच्छे तरीके से इसका भी निर्माण किया जा रहा है। और इस साइड आप देखिए बाउंड्री वॉल जो पिंक कलर का देख रहे हैं, ये पूरा बाउंड्री वॉल आपको दिख जाएगा। और इस साइड देखिए इसके जस्ट पीछे से स्टार्ट होता है रनवे, जो कि हमने अपने वीडियो में रनवे का पूरा अपडेट दिया, तो भाई वहाँ से आप जाके चेक कर लीजिएगा। और बाकी इधर भी कुछ साइड वगैरह चल रही है, तो आप यहाँ से चेक करिए, इसी प्रकार से ये बना हुआ है। तो भाई ये देखिए आप यहाँ से चेक करिए,